ये सर्व ज्ञात है कि दुनिया की महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। नदियां अपने अलग अलग रूप और गौरवशाली अभिव्यक्ति के साथ सभ्यताओं के लिए जीवन दायिनी रही हैं। भारत में तो नदियों का महत्व इस रूप से समझा जा सकता है कि यहाँ की लगभग हर एक नदी देवी के रूप में पूजी जाती है। इन्हीं में से एक महानतम और जीवनदायिनी नदी है यमुना। महाभारत काल से ही श्री कृष्ण की संगिनी यमुना की भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यमुना के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि गंगा की तुलना में इसका संस्कृति, कला, स्थापत्य और व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा मूल्यवान योगदान है और ज़्यादा समृद्ध इतिहास है। यमुना हिमालय में उत्तरकाशी जिले यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसी नदी के तट पर महाभारत लिखी गई। ऋषि पाराशर और सत्यवती ने यही वेदव्यास को जन्म दिया। इसी के किनारे राजा भरत और भीष्म के पिता महाराज शांतनु ने बड़े बड़े यज्ञ किए और इसी यमुना के तट पर हजारों साल तक महान ऋषियों और चिंतकों ने अपने अपने आश्रम में चिंतन किए, जहां भगवान श्री कृष्ण ब्रज संस्कृति के जनक कहे जाते हैं, वहां यमुना इसकी जननी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कथा इस नदी की कहानी के बिना अधूरी है। वल्लभाचार्य ब्रज भाषा के दृष्टिहीन भक्त कवि सूरदास, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन और मीरा की परंपरा यमुना के तट पर ही फली फूली। इन ऐतिहासिक संदर्भों को बतलाना इसलिए आवश्यक है ताकि लोग यमुना की महान विरासत और उसके योगदान को समझ सकें। दुनिया की किसी नदी के पास इतना समृद्ध इतिहास, संस्कृति और इतनी धार्मिक महत्ता नहीं है जितनी यमुना के पास है। साथ ही मृत्यु के देवता यमराज की बहन होने के नाते भारतीय पौराणिक परंपरा में इसका एक स्थायी और अलग महत्व भी है। यमुना जल के बारे में अबुल फजल और लाहौरी दोनों ही ने विस्तार से लिखा है। ये यमुना के पानी का ही आकर्षण था जिसने मुगल बादशाह शाहजहां को अपनी बेगम की याद में अपने ख्वाबों की इमारत ताजमहल का निर्माण इसके किनारे करने को प्रेरित किया। पंडित जगन्नाथ ने प्रसिद्ध गंगा लहरी लिखी, लेकिन यमुना के जल की गुणवत्ता ऐसी थी कि इसकी प्रशंसा में उन्होंने अमृत लहरी लिखी। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज हम यमुना को कैसे देखते हैं? एक गंदी नहर, एक नाला, एक बड़ा गटर या एक सभ्यता के भंवर के रूप में? जीवन दायिनी अमृत से लेकर जहरीले पानी में तब्दील होना इस नदी की एक क्रूर कहानी बन गई है, जो फिर भी अपनी अधमरी अवस्था में लाखों लोगों के जीवन का आधार बनी हुई है। पिछले 25 सालों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने नदियों को साफ करने में 8 अरब से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पर्यावरण और वन मंत्रालय की सबसे ताजा रिपोर्ट भी ये कहती है कि भारत की दो महान नदियां गंगा और यमुना अब भी गंदी हैं। क्या दिल्ली में कोई ऐसी जगह है जहां आपको यमुना का साफ निर्मल पानी दिखाई दे? क्योंकि जहां भी आप जाएंगे हर जगह यमुना का पानी काला ही नजर आएगा। दिल्ली का वजीराबाद एक ऐसी जगह है जहां आपको इस सवाल का जवाब शायद मिल जाएगा। यही वो जगह है जहां से नदी दिल्ली में प्रवेश करती है और इसी जगह पर बना बैरेज यमुना को आगे बढ़ने से रोक देता है। वजीराबाद के एक तरफ यमुना का पानी एकदम साफ और दूसरी ओर एकदम काला। इसी जगह से नदी का सारा पानी उठा लिया जाता है और जल शोधन संयंत्र के लिए भेज दिया जाता है ताकि दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल सके। बस यहीं से इस नदी की बदहाली भी शुरू हो जाती है। यमुना में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है और दिल्ली से आगे जाकर ये नदी मर जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह है औद्योगिक प्रदूषण, बिना उपचार के कारखानों से निकले दूषित पानी को सीधे नदी में गिरा दिया जाना, यमुना के किनारे बसी आबादी
मल मूत्र और गंदगी को सीधे नदी में बहा देती है। साथ ही धार्मिक वजहों के चलते तमाम मूर्तियों व अन्य सामग्री का नदी में विसर्जन। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक है रासायनिक कचरा। ये तस्वीर हमारे देश की उस पौराणिक नदी की है जिसका जिक्र हमारे पुराणों में आता है। लेकिन अफसोस कि अब ये नदी तेजी से अपना वजूद खोती जा रही है। दुर्भाग्य ये है कि ये नदी अब नाले में तब्दील होती जा रही है। यमुना नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच आलम ये है कि इसमें सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यमुना नदी के पानी को नहाने के काबिल बनाने के लिए उसके प्रदूषण स्तर को कम से कम 1,00,000 गुना कम करना होगा। मानकों के अनुसार कोलीफॉर्म कॉन्टामिनेशन लेवल 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यमुना में इसका स्तर खतरनाक सीमा से भी आगे बढ़ गया है। दिल्ली, आगरा व मथुरा सहित कई शहरों का औद्योगिक कचरा भी यमुना की निर्मलता को बदरंग करता है। दिल्ली की आधी आबादी आज भी यमुना के पानी पर निर्भर है। यमुना स्वच्छ रहेगी और इसका किनारा हरा भरा रहेगा तभी दिल्लीवासी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दुखद है कि इसके पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है और यमुना की धारा भी पतली होती जा रही है। यमुना में प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है कि उसके पानी में जीवन संभव ही नहीं है। यमुना में BOD स्तर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय स्तर से 40 से 48 गुना ज़्यादा है। एम्स के फोरेंसिक विभाग के अनुसार 2004 में 0.8 मिलीग्राम आर्सेनिक की मात्रा पाई गई है जो वास्तव में 0.1 मिलीग्राम होनी चाहिए। यमुना के इस सफर का सबसे दर्दनाक पहलू इसकी दिल्ली यात्रा है। यमुना नदी दिल्ली में 48 किलोमीटर बहती है। ये नदी की कुल लंबाई का महज 2% है, जबकि इसे प्रदूषित करने वाले कुल गंदे पानी का 31% और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी POD का 55%, यही इसमें घुस। अनुमान है कि दिल्ली में हर रोज 3,297 MLD गंदा पानी और 132 टन BOD यमुना में घुलता है। हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निर्मल जल के साथ आने वाली यमुना की असली दुर्गति दिल्ली में वजीराबाद बांध को पार करते ही होने लगती है। इसका पहला सामना होता है नजफगढ़ वाले नाले से, जो कि 38 शहरी व 4 देहाती नालों की गंदगी समेटे वजीराबाद पुल के पास यमुना में मिलता है। दिल्ली की कई 1.5 करोड़ आबादी का मल मूत्र व अन्य गंदगी के लिए 21 नाले यमुना में मिलते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि मथुरा में यमुना के जल के मैग्नीज तत्व की मात्रा मानक से बहुत अधिक है। मानकों के अनुसार जल में मैग्नीज की मात्रा अधिकतम 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, परंतु केसी घाटी वृंदावन से लेकर माधव घाट मथुरा तक ये मात्रा 0.5 से 1.3 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई है, जो मानक से अधिक है। एक आकलन के मुताबिक यमुना में हर रोज करीब 60 करोड़ गैलन अशोधित सीवेज गंदगी और मल वृहद दिल्ली क्षेत्र से गिरता है और जब वो दिल्ली छोड़ती है तो उसमें 2.4 करोड़ कैलीफॉर्म जीवाणु प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में पाया जाता है। गीतों, गाथाओं, लोकतियों, मुहावरों, कथा कहानियों में जल के महत्व का वर्णन मिलता है। लेकिन ऐसा ना हो कि यमुना सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाए। सामने जो हालात दिख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि यमुना की गंदगी हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर हमारे आसपास मंडराने लगी है। हम विकास की बात कर बार बार उसे गंदा कर देते हैं और सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाते हैं। आस्था की बात ऐसी है
कि भारतीय संस्कृति में नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है, हम जिसे माँ कहकर सम्मान देते हैं उसे हमने इस कदर गंदा कर दिया गया है कि उसके पानी को पीने की बात तो दूर, उसमें डुबकी लगाना सेहत को चुनौती देने के बराबर है। औद्योगीकरण या फिर शहरीकरण से यमुना भले ही गंदे नाले में तब्दील हो गई हो, लेकिन माँ का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, माँ तो माँ है।